विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब चंद महीनों का समय रह गया है। ऐसे में सभी टीमें अपने बेहतर से बेहतर प्रयास में लगी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया का ऐलान भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में हो चुका है। खास बात यह है कि भारतीय टीम में कई फेरबदल किए गए हैं। ऐसे में विश्व कप 2019 के प्रबल दावेदार को लेकर जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर से पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप की प्रबल दावेदार मानी जाएगी, तो गावस्कर ने साफ तौर पर जवाब दिया कि इस बार भारतीय टीम तो दावेदार है ही, लेकिन उनकी नज़र में इंग्लैंड की टीम सबसे प्रबल दावेदार है विश्व कप जीतने के लिए। गावस्कर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड की टीम इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही उनकी बल्लेबाजी ही उन्हें बेहतर से बेहतर टीम होने का रुतबा भी दिलाती है। सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में दमखम है, लेकिन इंग्लैंड को अपनी कंडीशंस में खेलने का फ़ायदा मिलेगा और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। अब देखना होगा कि क्या इस बार इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत पाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।